चल 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 चल। ए गाड़ी स्टार्ट कर। चल चप्पल छोड़ के। हम फर्स्ट। ए स्टार्ट। हम फर्स्ट। गाड़ी चला चला। तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। अच्छा, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक तो याद ही होगा ना, सबने भाई कंट्रोवर्सी के बहुत मजे लिए थे। मगर मैं उस टाइम यूट्यूब पर नहीं था, इसलिए मैं तो कुछ यूट्यूब पे वीडियो बना नहीं पाया। मगर इस बार भाई कह के लूंगा। तो भैया जी, सलोनी आप्पा, क्रेजी डीप, लक्ष्य चौधरी, सबने वीडियो बना लिया टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब पर। कितनों ने तो दो दो बार वीडियो बना लिया। तो अब हमारी बारी है, हमें भी तो व्यूज चाहिए और हमें भी तो बजाना है अदनान की। तो जिन भाइयों और बहनों को नहीं पता कि टीम 07 कौन थी, तो मैं बता देता हूँ कि टिकटॉक पर टीम 07 बहुत वायरल हुई थी एक बार, जिसमें सबसे फेमस मिस्टर फैजू था और उसी में एक उसका चाटू था जिसका नाम था अदनान और जिसकी आजकल यूट्यूब पर मारी जा रही है गान। तो हमारे ठगेस भाई ने एक सिंपल सा पारिवारिक रोस्ट वीडियो बनाया था अदनान भाई के ऊपर, जिसमें उन्होंने सिर्फ उसकी गलतियां निकाली थी, ना ही उसका नाम लिया था। गरुड़ा को मारने के लिए एक रॉकी पैदा किया, तो इस रॉकी को मारने के लिए एक और रॉकी पैदा नहीं कर सकते क्या? मेरे बाप से ही नहीं हुआ तो मेरे बाप की कसम किसी से भी नहीं हुई। ये लास्ट में ऐसा क्यों चल रहा था? ये क्या है भाई? और एक तो मेरे को समझ नहीं रहा है, ये पहले एंगल में यहाँ पे चश्मा रखा है, जब ये दूसरी तरफ मुड़ा चश्मा गायब हो गया, और जब ये वॉक करने लगा तो कुछ अलग ही चश्मा आ गया। ये कोई ईस्टर एग्स है क्या छपरी वर्ष का, जो हम मगलू समझ नहीं पा रहे? कोई बात नहीं, होता होगा ऐसा, एक डायलॉग एक दिन में बोलते तो ऐसा पूरा रील शूट करने में 3-4 दिन लगता होगा, तो हो जाता है कंटिन्यूटी एरर। देखा, इसमें सिर्फ ये गलतियां निकाली गई है कि बंदा आ रहा है तो उसके शर्ट में चश्मा फंसा हुआ है, और जैसे ही सीन चेंज होता है चश्मा गायब हो जाता है, और तीसरा सीन चेंज होता है तो बंदा जेब में से दूसरे रंग का चश्मा और दूसरे ढंग का चश्मा निकाल के लगाता है। कोई सेंस है इस बात की? जिनको ये जोक नहीं समझा ना, जाके पोगो देखो तुम लोग। हाँ अदनान भाई, आपको KGF 2 के रॉकी भाई की तरह चलना था, ना कि बोल बच्चन मूवी में अभिषेक बच्चन की तरह ना दिन दिन ना बोल के लहराते हुए चलना था। टट्टी के साथ नान खाकर अदनान भाई ने रात के 2 बजे ठगेस भाई को फोन किया और माँ बहन की गालियां दी और मारपीट की धमकी भी दी, बताओ। और इस बात को ठगेस भाई ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि भाई देखो, एक एक्स टिकटॉकर ने अपनी जात फिर से दिखा दी है। ठगेस भाई से बुरी तरह रोस्ट होने के बाद अदनान भाई आते हैं तमतमाते हुए और इंस्टाग्राम पर ये स्टोरी डालते हैं, देखो। मेरा नाम लिए बिना इनके घर में चूल्हा नहीं जलता लगता, सिर्फ कैमरा पे मत बजो। अरे अदनान मियां, हम यूट्यूबर्स तो कैमरा के सामने बजते हैं ना, तुम्हारी तरह रोड पे तो नहीं। अरे हमारे ठगेस भैया भी इन सब चीजों में पीछे नहीं हटते, इंस्टाग्राम पर जाके उन्होंने भी स्टोरी डाली और क्या लिखा पता है? नाम में 07 डालने से बॉन्ड नहीं बनते छोटे, हुई तेरी हाइप डेट तो आया मेरे पास ना। तो अदनान भाई ने स्टोरी लगाई फिर से, वीडियो में कैमरा के सामने नामर्द बनने वालों, आउट ऑफ फेस टू फेस। अबे साले डेढ़ फुटिया, हाइट देखी है तेरी और ठगेस भाई की हाइट, बैली बटन तक ही तू आएगा, और बैली बटन पे फेस नहीं कुछ और होता है। फिर इंस्टाग्राम पर भाई ने क्या स्टोरी डाली पता है? बाप जी बिजी हैं, बेटा अपने दूसरे बाप को रिप्लाई करो। अरे भाई ने टैग किसको किया है? अपने ही छोटे नन्नू को। देखो प्रोफाइल क्या है, धनुष और तीर का प्रोफाइल रखा है। अरे हाँ, इनको तो उड़ता हुआ तीर लेने की आदत हो गई है ना। बड़े भाई की तरह छोटे भाई ने भी फेक फॉलोअर बढ़ाए, मगर इनको कौन बताया कि फेक फॉलोअर बढ़ाए जा सकते हैं ना, मगर लाइक और व्यूज कहाँ से लाओगे भैया? बस हवा निकल गई। इतना बेइज्जत होने के बाद भी अदनान भाई को शांति नहीं मिली, डिमोनिटाइज करा दिया भैया का वीडियो, ठगेस भैया का। और डिमोनिटाइज होने के बाद वहां पर येल्लो डॉलर का सैम्बल आ गया। देख भाई मैं एक चीज बता देता हूँ कि डॉलर सफेद हो या येल्लो, डॉलर डॉलर होता है, तेरी तरह चिल्लर नहीं। गजब बेइज्जती है।
तो चलिए दोस्तों मौत के कुआं में, मतलब अदनान भाई की रील्स देखने चलो हम भी थोड़ा। घर और गाड़ी को तुम्हारी बिक चुकी ठगेश भाई की वीडियो को डिमोनेटाइज कराने के चक्कर में, तो अब नया घर और गाड़ी तो खरीदना ही पड़ेगा ना, क्योंकि रहेगा कहाँ फिर तू भाई। बड़ा हरामी हो सॉफ्ट नहीं भाई, एडवर्टाइजमेंट में भी तेरा टिकटॉक का ट्रांजिशन करना तू चालू कर दिया है ना। तूफान और इसको बॉडी बनाना बोलते हैं, इससे अच्छा तो हमारे मोदी जी बॉडी बनाते हैं। अपनी खुद कर सी का अंजाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। यार मेरे पास तो जहर तक खरीदने के पैसे नहीं है। इतनी सी बात के लिए तू रो रहा है? इतनी सी बात? मैं हूं ना तेरा दोस्त, मैं तुझे पैसे दूंगा यार जहर के। अरे प्रभु, जहर के पैसे तू मेरे से ले लेता, जहर नहीं कफन के पैसे भी तुझे मैं दे देता। तुझे रोस्ट करने के चक्कर में कम से कम तेरे टट्टी से टट्टी रील तो नहीं देखने पड़ते मुझे। सही बात है। अच्छा और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। A few moments later. चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। और रोस्टिंग से मुझे याद आया भाई, तेरे से अच्छी एक्टिंग तो टिगर भैया के पप्पा कर लेते हैं। नाने ना, वो टेढ़ा आया, वो टेढ़ा आया। हेलो गाइस, ये मेरी जिंदगी की आखिरी वीडियो हो सकती है। मैंने अदनान 07 पे जो वीडियो बनाई थी उससे नाराज होके, उसका गुस्सा होके उसने मेरे को किडनैप कर लिया है। मेरे को पता भी नहीं है मैं कहाँ पे हूँ, मेरे को बहुत डर लग रहा है गाइस, मुझे बचा लो प्लीज, कोई मुझे बचा लो। अरे ओ ठक्कन प्रसाद ढोलकिया, तेरे को कहा था मेरी रिक्शा पे पंचर लगवा दे, तू ये क्या वीडियो बनाने लगा हुआ है? वो वीडियो कच्चा बादाम। अरे भैया के पापा ने तो अंजलि अरोड़ा को भी टक्कर दे दिया, क्या कमर हिलाई है भाई कच्चा बादाम सॉन्ग पे। अदनान 07 कैमरा देखते ही नाचना शुरू कर देता है। कच्चा बादाम। अबे अदनान 07 टिकटॉक बंद हो गया, तेरे अंदर का टिकटॉकर नहीं गया अभी तक। क्या हो गया? आज भी मेरे दिल में दर्द होता है जब भी टिकटॉक का नाम सुनता हूँ। अरे हेलो, अबे आमिर सादिकी टिकटॉक द्रोही है, फिर टिकटॉक पर से यूट्यूब हो गए, वो भी तेरी वजह से। वो भी तेरी वजह से? अबे तेरी वजह से? मेरी वजह से? हाँ तेरी वजह से। कच्चा बादाम कच्चा बादाम। ट्रिगर भैया भी कॉमेडी कर रहे हैं और उनके पापा भी कॉमेडी कर रहे हैं, मगर दोनों की कॉमेडी में अंतर क्या है पता है? ट्रिगर भैया के पापा की कॉमेडी में सचमुच में हंसी आती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। कुछ भी बोलो भाई, मेरा एक खुद का इंस्पिरेशन जो है ट्रिगर भैया है, बिग फैन भैया, बिग फैन। मैं सब समझ रहा हूँ भैया, ट्रिगर भैया के सब्सक्राइबर आपकी वाट ना लगा दे इसलिए ऐसा बोल रहे हो ना। इमोशनल डैमेज। यहाँ पर हो गई हमारी वीडियो खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और यहाँ तक आए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना, बोलने की जरूरत है क्या मुझे? जानो तू धिम धिम ना, धीरे धीरे जरा दम लेना, प्यार से जो मिले गम लेना।